14 जुलाई 2023 इसी दिन दोपहर के 2:35 को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन स्टार्ट करता है और इस बार उनका मेन गोल है सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो चंद्रयान 2 के वक्त उन्होंने कोशिश की थी मगर मिशन फेल हो गया था। इस करंट मिशन पर वो ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो, और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है तो भारत वह पहला देश बन सकता है जो उस डेटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा पाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये सब चंद्रयान 3 आखिर कैसे करेगा, उसके पास ऐसे कौन कौन से सेंसर्स लगे हुए और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लें कि चंद्रयान 3 का यह मिशन सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इक्वली चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है। वही मार्स जिन पर मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज्यादा क्रेटर्स है, जैसे आप देख सकते हो पूरी दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज है, उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किए, लेकिन सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसे है, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है। उन पर जिन 5 कंट्रीज ने स्पेस मिशंस किए उनमें से 2 कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड किया, यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 40% और वहीं पर लूनर सरफेस पर 27%। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर एवरेज एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने के लिए 7 मंथ्स लगते, वही मून पर स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिन में पहुंच जाता है। अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पाथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट होता है तो इतने कम समय में उसे कंट्रोल करना और उसके पाथ को करेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है, और इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट की स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग का टाइम एस्टिमेट किया जाता है, मतलब अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर है तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का टाइम मिलता है, अदरवाइज स्पेसक्राफ्ट का खेल खत्म, यानी कि स्पेसक्राफ्ट का पाथ चेंज करो या ना करो वो क्रैश होने ही वाला है। ऊपर से सिर्फ यही पर सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर इस टाइम फ्रेम में टच डाउन स्टार्ट भी कर दिया बाकी चीजें जो कि लैंडर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जैसे कि उस लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है, और इसीलिए मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट्स भी यूज किए जा सकते हैं। पर मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर पर आ जाता है, और यही थ्रस्टर लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करते हैं उनसे मून की लूज सॉइल का उड़कर डेलिकेट सेंसर में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है। अब इन दिक्कतों के ऊपर पिछली बार चंद्रयान 2 को लैंड जहां पर कराना था वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन्स है। लैंडिंग के लिए एक स्पॉट को टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उसी स्पॉट पर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना अपने आप में ही काफी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 डेज लगते हैं, जिसे 2 हफ्तों तक सन को फेस किए हुए साइट का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं पर दूसरे साइट का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और साउथ पोल इन दोनों रीजन का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास की तरह हो जाएगी। इसमें जैसे आप देख सकते हो गर्म पानी डालते ही ग्लास चटक गया, बस वैसे ही लैंडर के पुर्जे भी आसानी से टूट जाएंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए इसरो लूनर साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी कराता है, फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो रहता ही,
आपको शायद पता नहीं होगा पर चांद के साउदर्न पोल पर ऑलमोस्ट अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होता है तो सिर्फ होराइजन पर ही सन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे कुछ एरियाज ने तो मून के फॉर्मेशन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर के सोलर पैनल्स कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सब रीजंस, यानी कि लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए इनफ समय ना मिलना, डस्ट से सेंसर्स खराब होना, लूनर साउथ पोल के हार्श टेम्परेचर, सरफेस की मार और कम्युनिकेशन इश्यूज, इनकी वजह से कई बार लूनर सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाते हैं। अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसे यूनिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है कि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ना के बराबर है। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए एक ऐसा स्पोर्ट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रेटर्स और माउंटेन से भरा अनइवन सरफेस है और ना ही अनइवन टेम्परेचर। जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तब वो सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट रेज करेगा। इससे होगा ये कि वो मून की तरफ किसी स्लिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 मिशन के इनिशियल फेज में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद जब लैंडिंग का समय आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोच रखा है। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनर सरफेस पर लैंड नहीं करवाएगा, क्योंकि इससे थ्रस्टर बहुत ज्यादा धूल उड़ा सकता है और उससे सेंसर्स खराब हो सकते हैं। चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को लैंडिंग से पहले घटाने और साथ ही लैंडिंग साइट को एक बार फिर से प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। इसके बाद रही बात फोर्थ रीजन की, जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। उसके लिए चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं, और वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल्स रिले करवाने वाला है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए आइए सबसे पहले चंद्रयान 3 के आर्किटेक्चर को समझते हैं। अगर हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के आर्किटेक्चर को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इसके डिजाइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसमें भी दो मॉड्यूल्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, जिसका एवरेज वेट टाटा हरियर जितना है। कुल मिलाकर पूरे स्पेसक्राफ्ट का वेट कुछ 3900 किलो है, यानी कि एक हाथी जितना। बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो मून को रिवॉल्व करके स्कैन करे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारे लिए ये टास्क ऑलरेडी कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन ही किए गए और यही वजह है कि फाइनली चंद्रयान 3 महज 4 सालों में लॉन्च के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाया। अब एक बार सक्सेसफुली ये चांद पर लैंड हो गया तो उसके बाद लैंडर में सिर्फ रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो तुरंत लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लीप से मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट कर देगा। इससे उन केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स अल्फा एंड एक्सरेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा, ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कंपोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून पर एटमॉस्फेयर कितना थीन है ये पता लगा पाएगा, और इतना थीन क्यों है इन मिस्ट्री को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मून पर ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। पहले तो लोगों को लगता था कि मून में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन रिसेंट स्टडी से मालूम पड़ा कि मून के 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक एक बहुत ही थीन आयनोस्फीयर या चार्ज पार्टिकल से भरा एक हल्का सा एटमॉस्फेयर का लेयर है, और जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेटली रीजन अब तक किसी को नहीं मालूम। इसीलिए चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रामभा और चेस्ट इन सेंसर्स की मदद से मून के आयनोस्फीयर के हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज और तापमान के बारे में हमें प्रीसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थक्वेक डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज में एक एक्टिविटी यानी इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है, और लैंगमुर प्रॉब भी लगाया गया है जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगा, यानी मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सूरज के पावरफुल रेडिएशंस का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का। इसका एक एग्जैक्ट आंसर हमारा चंद्रयान 3 पता लगा सकता है, लेकिन ये तो हुई सिर्फ लैंडर और रोवर की बात। इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को भी 2-in-1 के जैसे इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस पर स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, जो अर्थ की तरह हैबिटेबल हेक्सोप्लैनेट्स को भी डिटेक्ट करके उनके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर सकता है।
उसके डिटेच होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो लूनर साउथ पोल पर भी मैसेजेस और डेटा इंटरप्शन ना हो। इसीलिए रोवर और लैंडर से आए इम्पोर्टेंट डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना की ओर रिले करेगा। अब ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश के रिले सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले ऐसे बहुत बार हो चुका है। इसरो से आया डेटा दूसरे कंट्रीज चुरा पाए थे। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे मून मिशन का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आज हम लैंडर को मून के साउथ पोल के डिफिकल्ट टेरेन पर लैंड करा सके, तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। बट गगनयान मिशन के लिए अभी टाइम है। चंद्रयान 3 का मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो उससे भारत पहला वो देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और एवोल्यूशन से जुड़ी थियोरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है, क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए देखा गया है कि वहाँ आइस के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है और वहाँ के क्रेटर्स के अंधेरे कोने में जमा हुआ पानी तो चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहाँ पर मौजूद है। साथ ही रिसेंटली ये भी देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों चीजों की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकल पाया, तो इसे पृथ्वी के इतिहास की कई पहेलियाँ सुलझ सकती है। और सबसे मजेदार बात ये होगी कि हमारा देश इसे सुलझाने वालों में से सबसे पहला देश होगा। बस प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हम हमेशा की तरह इसमें लेट ना हो जाए, क्योंकि जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, नासा 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था और फिर भी सिर्फ 11 सालों में ही वो इंसानों को चांद पर पहुंचा चुका था, जबकि लगभग उसी समय में बना हमारा इसरो अपने टाइट बजट के चलते आज तक ये अचीव नहीं कर पाया। अगर इसरो के पास भी टाइट बजट होता तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर पहुंच चुके होते और शायद हमने और भी काबिल मिशन को अंजाम दिया होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंद्रयान 3 की। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।